गुड मॉर्निंग एवरी वन दिस इज मी पूजा वर्मा वेलकम टू आर क्लास बुक नेम इज़ हिस्ट्री ऑफ चैप्टर टू न्यू किंग्स एंड किंगडम्स बच्चों लास्ट वीडियो में हमने देखा कि कैसे न्यू डायनेस्टीज जो है वो इमर्ज हुई थी है ना उसमें हम चौ, हमने चौला डायनेस्टी के बारे में पढ़ा था कि उसके रूलर्स कौन कौन से हुए ना जिन्होंने वॉरफेयर फो वेल्थ किया और कैसे फॉरन अटैकर्स यहाँ पर आए और यहाँ से बहुत सारा जो है गोल्ड वगैरह लूट कर लेकर गए अब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि आपके जो चोला डायनेस्टी हुई उसको थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं ना उन्होंने कौन कौन से टेम्पल्स जो है वो बनवाए है ना उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो क्या था उनकी कुछ इंस्क्रिप्शन भी हम देखेंगे सो लेट्स टॉपिक इज स्पलेंडेड टेम्पल्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंस्क्रिप्शन यस फर्स्ट हमारा आता है स्पलेंडेड टेम्पल्स एंड ब्रॉन्ज स्कल्पचर यस बच्चों देखो सबसे पहले तो आप याद करो कि आप कोई साउथ की मूवीज़ देखते हो ना तो वहाँ के जो टेम्पल्स होते हैं वो कितने ब्यूटीफुल होते हैं ना उनकी जो मतलब एक कलाकारी जो उनकी होती है आर्किटेक्चर जो उनका होता है वो कुछ अलग ही होता है ना कुछ अद्भुत होता है ना तो आज जैसे आपने बाहुबली देखी होगी है ना तो उसमें देखा है आपने किस तरीके के मंदिर होते हैं अपने जो नॉर्थ में जो टेम्पल्स होते हैं ना उससे काफ़ी डिफरेंट होते हैं वो है ना तो उन टेम्पल्स के बारे में हम देखने वाले हैं सो स्पलेंडिड टेम्पल्स यस जो वहाँ के टेम्पल्स हैं बहुत ज़्यादा क्या होते हैं ब्यूटीफुल होते हैं ना उनके जो मतलब ये देखिए आप थंजावू टेम्पल एंड द टेम्पल ऑफ गंगई कोंडा चौलपुरम यस नाम थोड़े काफ़ी भारी भर कम आएंगे लेकिन हमें याद करने हैं ना बार बार हम रीड करेंगे तो याद हो जाएंगे सो so, ये थंजावू टेम्पल है आप देख रहे हो कि ये टेम्पल जो है इसके अंदर मतलब उस टाइम पर ऐसा कोई होता था क्या कि कोई डिग्री वगैरह होती थी है ना कुछ लोग आर्किटेक्ट जो है वो सीखते थे या फिर जो है बहुत सारी टेक्नोलॉजी थी ऐसा था क्या उस टाइम पे नहीं था ऑफ़ कोर्स नहीं था ना लेकिन फिर भी इतनी अच्छी वो आर्किटेक्चर ही करते थे इतने मतलब शानदार उनके अंदर जो मंदिर बनते थे उसमें बहुत सारा जो है मूर्ति वगैरह जो इनके जो आप ये देख रहे हो मंदिर है ना इसके अंदर भी जो है बिल्कुल एकदम बारीक बारीक जो है वो आर्किटेक्चर करते थे है ना तो उनको किसी डिग्री की जरूरत नहीं थी लेकिन फिर भी उस टाइम पर क्या थी वो लोग मतलब परफेक्ट थे इस काम में है ना फिर भी इतने शानदार वो मंदिर वो बना पाते थे ठीक है और ये है द टेम्पल ऑफ गंगई कोंडा है ना ये जो मंदिर थे वो किसने बनवाए थे लास्ट वीडियो याद है हमने जो विजयालय के जो सक्सेसर पढ़े थे है ना तो कौन थे वो राज राजा फर्स्ट और राजेंद्र फर्स्ट याद आया हाँ तो ये उनके थ्रू ही ये मंदिर बनवाए गए थे कब बनवाए गए थे सी दीस टेंपल्स बिल्ट बाय राज राजा फर्स्ट एंड राजेंद्र फर्स्ट कौन कौन से टेम्पल्स हैं वो आपके थंजावुर टेम्पल और गंगई कौंड

के राजा राजा फर्स्ट और राजेंद्र फर्स्ट ने ये टेम्पल्स बनवाए ठीक है और इनमें किसका यूज हुआ है का है जो मूर्ति कला जो होती है उसका यूज हुआ है है ठीक सो चोला ऑफन बिकेम द न्यूक्लियर ऑफ सेटलमेंट्स ये अब ये जो टेंपल्स है ना अब आप देखते हो अपने आसपास कोई फेमस टेम्पल होता है आप वहां जाते हो तो सिर्फ टेम्पल ही होता है क्या और आसपास बहुत सारी चीज दिखती होगी ना आपको शॉप्स दिखती होंगी आपको है ना जो माला वाले बैठे होते हैं वहां पे है ना प्रसाद वाले होते हैं ऐसे बहुत सारी शॉप्स आप

टेम्पल्स की हम बात कर रहे हैं उन टेम्पल्स के पास में जो है आपके जैसे ये जो होते हैं ना स्क्रप्चर वाले मतलब कि मूर्ति बनाने वाले है ना आप देखोगे आगे देखोगे अभी कि जो ब्रांज वाली जो मूर्ति थी वो बनाने वाले है ना अलग अलग मेटलिक जो वहां पे जो फेमस थी मेन वो ब्रांज की थी है ना तो वो बनाने वाले आपको आसपास दिखेंगे उसके अलावा माला वाले जो है वो आपको दिखेंगे है ना तो इस तरीके से क्या करने लगे एक तरीके से ये उनका बिजनेस चलने लग गया है ना सो Temples were also enjoyed with land by rulers as well as by others. जो भी वहाँ पे शॉपकीपर्स वगैरह थे या पीजेंट्स वगैरह का जो ग्रुप बन गया था ना तो वो उनको जो लैंड अगर गिफ्ट करता था कौन करता था राजा करता था अब इस चीज़ को ऐसे समझो आप कि वहाँ पर टेम्पल्स हुआ ना वहाँ पर प्रीस्ट भी रहेंगे आपके है ना आस में और भी शॉपकीपर्स रहेंगे ठीक है तो उनको लैंड की ज़रूरत होगी तो वो लैंड उनको कौन गिफ्ट करते थे जो भी रूलर होते थे ना वो गिफ्ट करते थे ठीक है तो अब उनकी और भी रिक्वायरमेंट्स होगी भाई उनको रहना भी होगा खाना पीना भी होगा तो ये सारे सोर्स जो है वो लैंड उनको प्रोवाइड कर था ठीक है सो द प्रोड्यूस ऑफ दिस लैंड बाय रूलर एंड अदर ठीक है उनको वो लैंड कौन गिफ्ट कर रहा है जो भी रूलर है वो गिफ्ट कर रहा है ठीक है अब वो वहां पर क्या करेंगे कोई भी प्रोडक्शन काम स्टार्ट करेंगे जैसे कि क्राफ्ट का बिजनेस किसी ने स्टार्ट कर दिया है ना फ्लावर्स का या मालाओं का बिजनेस स्टार्ट कर दिया किसी ने फार्मिंग स्टार्ट कर दी है ना तो ये सारे काम जो है वो वहां पर रहने वाले लोग करने लगे ठीक है देन mentioning all the specialists who worked at the temple and very often lived near it प्रीस गार्डन मेकर्स गार्डन मेकर्स वही आपकी माला बनाने वाले है ना कुक्स स्वीपर्स म्यूजिशियन डांसर एक्सेट्रा साफ सफाई वाले भी चाहिए ना स्वीपर भी रहेंगे वहाँ पे म्यूजिशियन आप देखोगे टेम्पल्स में जो है वो अलग अलग टाइप के इंस्ट्रूमेंट जो है उनका यूज करने वाले म्यूजिशियन और डांसर्स जो आपके क्लासिकल डांसर्स ये भी वहाँ पे दिखते थे है ना इनका ग्रुप वहाँ पे था ठीक है तो ए, ये इन सब की मैंटेनेंस का इन सब के खाने पीने का जो है वो सारा ध्यान वो उस लैंड के थ्रू हो रहा था मतलब वहाँ से जो भी इनका

क्यों हो रहा था सिर्फ पूजा नहीं हो रही है वहाँ पे और बहुत सारे ग्रुप्स रहने लगे हैं म्यूजिशियन भी है स्वीपर भी है डांसर्स भी है है ना और आपके गार्डन मेकर्स भी है तो इनके लिए एक तरीके से इनकम सोर्स हो गया वो है ना तो आ, टेम्पल्स जो है वो सिर्फ वर्शिप का प्लेस ही नहीं थे देन दे वर द हब ऑफ इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल लाइफ एज वेल एक तरीके से वो किसका हब बन चुके थे इकोनॉमिक सोशल और कल्चरल लाइफ ठीक है बच्चों तो ये तो बात हो गई टेम्पल्स की है ना किस तरीके से टेम्पल्स जो है वो वहाँ पे एस्टेब्लाइज हुए थे और इतने सुंदर सुंदर टेम्पल्स वहाँ बने ठीक है अब बात करते हैं वहाँ के स्कल्पचर की देखिए क्या था द द्राफ्ट एसोसिएटेड विद टेम्पल्स यस जो भी टेम्पल्स uh, थे वहाँ पे क्या एसोसिएट हो रहे थे क्राफ्ट्स कौन से क्राफ्ट्स देखिए द मेकिंग ऑफ ब्रॉन्ज इमेजेस वाज द मोस्ट डिस्टिंगटिव यस बहुत सारे क्राफ्ट्स मतलब आपने देखे कि डांसर्स uh, भी हैं है ना अलग अलग मतलब सब अपनी आर्ट दिखा रहे हैं ना म्यूजिशियन भी है और जो आपके स्कल्पचर मतलब कि जो मूर्तिकार है ना वो भी थे लेकिन सबसे ज़्यादा फेमस कौन सी थी आपके ब्रॉन्ज है ना मेकिंग ऑफ ब्रॉन्ज इमेजेस यस जो स्टेच्यूज जो भगवानों की बनती थी ना मूर्ति वो स्पेशली आप देखते हो ब्रांज की होती है ब्रॉन्ज क्या एक मेटल है है ना पीतल के आपने देखे होंगे अपने आप आसपास किसी मंदिर में जाते हो ना या फिर हम भी अगर अपने अ, घर पे जो है मंदिर में अगर रखते हैं मूर्ति तो मोस्टली uh, अगर हम लाते हैं तो वो पीतल की होती है ना ब्रॉन्ज की होती है सो ब्रॉन्ज इमेजेस वॉज द मोस्ट डिस्टिंगटिव स्पेशल थी वो है ना चोला ब्रॉन्ज इमेजेस आर कंसिडर्ड अमोंग दाइनेस्ट इन दर्ल्ड देखो yes. पूजा इससे पहले भी हो रही थी टेम्पल्स इससे पहले भी बन रहे थे लेकिन चौलास के टाइम पे जो ब्रॉन्ज जो बनी ना है ना जो भगवानों की तो वो जो थी वो पूरे वर्ल्ड में फेमस थी लाइक like दिस दिख रहा है आपको चोला ब्रॉन्ज स्कल्पचर इस तरह की जो स्टैचूज थी वो पूरे वर्ल्ड में फेमस थी मतलब कि इनकी क्वालिटी जो थी वो स्पेशल थी है ना अब काफ़ी अच्छी क्वालिटी की थी दैट्स वाई वो पूरे वर्ल्ड में फेमस थी ठीक है समझ में आया आपको हमने टेंपल्स के बारे में देखा फिर हमने देखा कि यहाँ का स्कल्पचर कैसा है ना जो स्टैचूज जो बन रही है भगवानों की जो मूर्तियाँ बन रही है वो कौन से मेटल की बन रही है मोस्टली ब्रॉन्ज की बन रही है ना जो कि पूरे वर्ल्ड फ़ेमस थी ठीक है बच्चों आगे देखिए वाइल मोस्ट इमेजेस ऑफ डिटीज समटाइम्स इमेजेस यस आपके जो आपके देवी देवता है उनकी स्टैचू तो बनी रही है ना साथ में डिटीज मतलब उनको पूछने वाले जो रूलर्स होते हैं उनकी भी बन रही है जैसे तो आप देखते हो अभी प्रेजेंट में हम देखते हैं कि स्टैचूज लगी होती है जो पब्लिक प्लेसेस होते हैं वहां पर किसकी लगी होती है आपकी नहीं जो आपकी फ्रीडम फाइटर्स होते हैं उनकी स्टैचूज लगाई जाती है ना ठीक है तो वैसे ही ये जो रूलर्स होते थे वो खुद की स्टैचूज भी बनवाते थे ब्रॉन्ज में या अलग अलग मेटल में बनवाते थे ठीक है so, सो डिटीज़ की तो होती थी आपके देवी देवताओं की तो स्टैचू uh, होती ही थी साथ में डिवोटीज़ उनकी भी होती थी ठीक okay, है बच्चों तो ये बात हो गई कि हमने देखा कि कैसे टेम्पल्स हैं और कैसे वहां का जो स्कल्पचर आर्ट है वो किस तरीके से इन्होंने वेल सेटल किया था ना जो यहाँ के रूलर्स हुए उन्होंने कितना अच्छे से उसको ऑर्गेनाइज किया था और लोगों को जो है इनकम सोर्स भी प्रोवाइड किया था ठीक है अब हम आगे देखेंगे कि वहां का एग्रीकल्चर कैसा था ना मतलब कि चोलाज की बात कर रहे हैं हम भूलना नहीं है किसकी बात कर रहे हैं चोला डायनेस्टी है उसकी बात कर रहे हैं ना चोला डायनेस्टी के टेम्पल्स देख लिए हमने अब हम देखेंगे कि एग्रीकल्चर कैसा था ना सो एग्रीकल्चर एंड इरीगेशन यस चौलाज व मेड पॉसिबल थ्रो न्यू डेवलपमेंट्स इन एग्रीकल्चर क्या एग्रीकल्चर इससे पहले नहीं हो रहा था हो रहा था ना चौलाज से पहले भी हो रहा था लेकिन चौलाज ने ऐसा क्या इसके अंदर डेवलपमेंट किया देखिए रिवर कावेरियन फर्टाइल सॉइल आ मेन सोर्स ऑफ डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर देखो पहले तो आप इसे मैप को देखिए आप चौलाज के टाइम पर ये जो डायनेस्टी आपकी फैली हुई है ये मैंने पहले भी बताया था आपको एक बार दोबारा देख लीजिए ये डायनेस्टी आपकी चौला यहां तक फैली हुई है ना आपको बताया था लास्ट में आपके जो राजेंद्र फर्स्ट हुए थे वो कहाँ तक ले गए थे इसको गंगा जो डेल्टा था वहां तक ले गए थे इसको है ना और ये है आपके इधर कावेरी डेल्टा ठीक है यहां पर क्या था बच्चों रिवर कावेरी एंड फर्टाइल सॉइल यहाँ पे जो कावेरी जो ये नदियाँ होती है ना आपके वो एक तरीके से क्या बनाती है किसी भी सी में मिलने से किसी समुद्र में मिलने से पहले क्या बनाती है वो एक डेल्टा बनाती है डेल्टा समझते हो आप जैसे कोई भी रिवर है वो इस तरीके से आ रही है ना तो वो अगर किसी बड़े उसमें मिलेगी ना समुद्र वगैरह में तो वो क्या बनाएगी इस तरीके से

अगर एग्रीकल्चर करना है फार्मिंग करना है वो आपको आपकी अच्छी फार्मिंग हो रही है एरिया को आपको बढ़ाना है तो ऐसा तो नहीं होगा ना कहीं किसी के घर में जाके करोगे या फिर फॉरेस्ट में करोगे फॉरेस्ट को क्लियर करना होगा है ना तो फॉरेस्ट को क्लियर किया गया देन लैंड वॉज लेवल और लैंड लेवल में किए गए तो इस तरीके से फार्मिंग जो है वो अच्छे लेवल पर हो रही थी देन embankments were made to prevent flooding and canals had to be constructed to carry water to the fields embankments अभी इसको समझो आप ये embankments बैंकमेंट्स क्या है जैसे आपकी क्या होता है कि समुद्र है या फिर नदी है नदी जो है वो अपने फ्लो से चल रही है लेकिन जब बारिश का सीजन होगा है ना तब तो तेज़ बारिश होगी आप पढ़ते हो ना न्यूज़पेपर में अभी हमारे तो क्या होता है कि थोड़ी सी बारिश होती है और न्यूज़ वाले इस तरीके से बताते हैं कि अब तक का रिकॉर्ड टूटा पिछले दस सालों का रिकॉर्ड टूटा पढ़ते हो ना ये है ना तो वैसे ही यहाँ पर आ जाओ वापस नदियां जो है वो अपने फ्लो से चल रही होती है लेकिन जब भारी बारिश होती है ना बहुत ही हैवी रेनफॉल होता है तो क्या होता है कि वो अपने लेवल से अप हो जाती है ना तो जिससे क्या होगा लेवल से अप हो जाएगी तो ओवरफ्लो होएगा है ना तो आसपास के जो रहने वाले हैं ना रेजिडेंस जो वहाँ पर होगा रिवर्स के आसपास में तो उनको उनके लिए डेंजर होगा ना वहाँ तक पानी पहुँचेगा तो उसके उसके जो है उसकी सेफ्टी के लिए क्या करते हैं कि जो भी ये नदियाँ होती है जो भी रिवर्स होती है इनके पास में एक तरीके से बाउंड्री वॉल बना देते हैं ना हाइट तक बना देते हैं सो so, उससे क्या होगा कि आपके फ्लूडिंग से बचेंगे वो है ना बाढ़ वगैरह से जो है वो बचेंगे देन एंड कैनल्स हैड टू बी कंस्ट्रक्टेड

तो मतलब जैसे कि आपके पूरे साल भर तो बारिश होती नहीं है है ना तो सीज़न में तो बारिश से ठीक है वहाँ काम चल जाएगा फार्म्स में एग्रीकल्चर में वहाँ पे काम चल जाएगा लेकिन ऑफ सीज़न में क्या होगा ऑफ सीजन मतलब जब बारिश नहीं हो रही है तो ये जो रिवर्स जो फुल हो गई है उनका पानी जो है वो फार्म तक पहुंचाया जाएगा किसके थ्रू पहुंचाया जाएगा इन कैनल्स के थ्रू ठीक है ये जो खुदाई करके जो बनाई गई ना उनको क्या बोला गया कैनल्स ठीक है बच्चों समझ में आया ये दोबारा देख लो क्या क्या किया गया था एन मतलब कि आपको बताया मैंने कि बाउंड्री वॉल एक तरीके से बनाई गई थी है ना दैट वॉज एन एंड क्या बनाया कैनल्स बनाई ये किस लिए बनाई ताकि जो रिवर्स का पानी है वो फार्म तक पहुंच सके नेक्स्ट इन मैनी एरियाज टू क्रॉप्स व ग्रोन इन अयर ये टू क्रॉप्स व आप देखते हो कि सीज़न वाइज जो है वो क्रॉप्स ग्रो करते हैं जो भी फार्मर्स होते हैं वो है ना तो अलग अलग सीजन में अलग अलग फार्मिंग होती है ना सो so, जहाँ जब बारिश वाला सीजन होगा तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन ऑफ सीज़न में ये कैनल्स के थ्रू पानी पहुँचा कर जो है वो दो टाइप की जो है क्रॉप्स वो ग्रो कर रहे थे कहाँ पर हो रहा था ये चोलाज में ठीक है चौला पीरियड में तो इस तरीके से इन्होंने एक तरीके से एग्रीकल्चर को बहुत ज्यादा उस पर डेवलपमेंट पर उन्होंने ध्यान दिया समझ में आया आगे देखिए वराइटी ऑफ मैथड्स व यूज फॉर इरीगेशन यस अब वो अलग अलग मैथड्स जो है इरीगेशन में यूज़ कर रहे थे कौन कौन से मैथड वेल्स डग यस yes, अब देखो वहाँ पर सोर्सेज अच्छे तरीके से है ना पानी वगैरह नदियाँ वगैरह है तो क्या कर रहे थे वो वेल्स डग बहुत सारी वेल्स बना रहे थे ना कुएँ वगैरह बनाए जा रहे थे आपने देखा था कि इरीगेशन में हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि पर्शियन व्हील का यूज़ हो गया था ना पानी खींचने के लिए याद है हाँ देन टैंक्स व कंस्ट्रक्टेड टू कलेक्ट रेन वाटर टैंक्स बनाए जा रहे थे ना पानी कलेक्ट करने के लिए रेन वाटर को इरीगेशन वर्क रिक्वायर्ड प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग लेबर एंड रिसोर्स मैं कोई भी इरीगेशन है अगर एग्रीकल्चर है उसके लिए क्या पड़ती है आपके प्लानिंग की और जो लेबर होगी वो ऑर्गेनाइज हो है ना रिसोर्स की जरूरत पड़ती है सो मैंशनिंग दीज वर्क इन सबको मैंशन करने के लिए जो है किसकी जरूरत पड़ेगी आ, लेबर की है ना जो रूलर्स होंगे अगर वो एक्टिव होंगे तो ही तो ये काम होगा ना देखो यहाँ पे नाइन्थ सेंचुरी स्लोस गेट इन तमिलनाडु इसकी फोटो आपको दिखाई गई है तमिलनाडु में ये जो क्या है एक स्ल गेट है है ना जो कि जहां से पानी होकर गुजर रहा है सो so, देखो अब यहां आ जाओ आपकी जो ऑर्गेनाइजिंग लेबर है अगर वो एक एक्टिव होगी तो ही तो ये सारे काम हो पाएंगे ना तो सो मोस्ट ऑफ द न्यू रूलर्स एज वेल एज पीपल लिविंग इन took an एक्टिव इंटरेस्ट इन दीज एक्टिविटीज़ जो वहाँ के रूलर अगर एक्टिव होंगे तो ही ये काम हो पाएगा और वहाँ के जो प, आ, लोग हैं वो अगर एक्टिव होंगे तो वहाँ के लोग तो एक्टिव थे ही और रूलर्स भी इस मैटर में एक्टिव थे दैट्स वाई जो है ये सारा काम हो पा रहा था ठीक है बच्चों तो फार्मिंग पर जो है डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ क्योंकि रूलर्स और पीपल्स जो है दोनों एक्टिव थे वहाँ पर है ना और इतने सारे जो रिसोर्सेज जो है इतने सारे तरह की वेराइटी के जो है वो प्रोसेस यूज़ कर रहे थे ना फार्मिंग में ठीक है आगे देखिए द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर यस अब हम बात करेंगे कि जो चोलाज का जो एडमिनिस्ट्रेशन था ना वो किस तरीके से चल रहा था कौन कौन सी पोस्ट उन्होंने हायर की हुई थी है ना सी हाउ वज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइज कैसे ऑर्गेनाइज किया गया था चोलाज की बात हो रही है ना सो सेटलमेंट्स ऑफ पीजेंस नॉन अज पुर यस अब देखिए पीजेंट्स वहाँ थे फार्मिंग हो रही है तो ऑफकोर्स पीजेंट्स होंगे है ना तो आपके जैसे कि ये मान लीजिए बहुत सारे क्या है आपके पीजेंस है, है ना तो इनके ग्रुप को क्या बोला गया बच्चों उर क्या बोला गया उर बोला गया है है ना पीजेंट्स के ग्रुप को क्या बोला गया है उर बोला गया है ग्रुप्स ऑफ सच विलेजेस फॉर्म लार्जर यूनिट्स कॉल्ड नाडू यस अगर किसी जगह किसी विलेज में बहुत सारे पीजेंट्स हैं उनके ग्रुप को बोला गया उर, ठीक है और यह बहुत सारे उर मिलकर बहुत सारे उर मिलकर क्या बना रहे हैं ये सारे उर् मिलकर बना रहे हैं नाडू समझ में आया क्या तमिलनाडु यहीं से निकला है नाडू वर्ड्स से है ना जैसे कि बहुत सारे पीजेंट्स हैं उनका ग्रुप तो क्या कहलाया उर और बहुत सारे उर मतलब कि बहुत सारे विलेज वो सब मिलके क्या बना रहे हैं नाडु और यहीं से निकल कर आया है तमिलनाडु ठीक है आगे देखिए द विलेज काउंसिल एंड द नाडू परफॉर्म्स सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस यस द विलेज काउंसिल एंड द नाडू परफॉर्म्स सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन इट मीन्स जो आपका विलेज होगा ना बहुत सारे उर मिलकर जो है क्या बना रहे हैं विलेज बना रहे हैं तो विलेज काउंसिल मतलब जो हैड होगा एंड द नाडू ये किसके लिए परफॉर्म करेंगे जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस होंगे उसके लिए ये 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 लोग परफॉर्म करेंगे मतलब जो भी डिसीजन लेंगे ना एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड वो सारे डिसीजन जो विलेज काउंसिल होगा वो लेगा और जो नाडू होगा वो लेगा देन एग्जाम्पल प्रोवाइडिंग जस्टिस एंड कलेक्टिंग टैक्सेज येस जस्टिस से रिलेटेड और वहाँ से अगर टैक्स कलेक्ट करना है उससे रिलेटेड सारे काम ये लोग करेंगे द रिच पीजेंस ऑफ द वेलाला कास्ट यस ये वेलाला कास्ट क्या है जैसे आपके ब्राह्मण कास्ट के बारे में हमने पढ़ा था कि वो एक तरीके से डोमिनेट कास्ट रही है ना क्योंकि उनका इन्फ्लुएंस जो है वो अदर कास्ट पे देखने को मिला वैसे ही साउथ में चौलास के टाइम पे एक रिच रिच पीजेंट्स जो थे मतलब जो अमीर पीजेंट्स थे उनका ग्रुप था उनकी कास्ट थी वेला कास्ट एक्सरसाइज कंसिडरेबल कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ नाडू यस इनका एक तरीके से इनका जो है इन्फ्लुएंस वहाँ पर रहा तो ये क्या करती थी जो भी वहाँ के मुद्दे होते थे उसके डिसीजन लेने का काम ये वेला कास्ट करती थी है ना कहां पे नाडू में ठीक है बच्चों आगे देखिए द चोला किंग गिव टाइटल्स लाइक यस अब जो चोला किंग्स होते थे देखो इतना समझ में आया आपको मैंने आपको बताया कि जो पीजेंट्स थे उनका ग्रुप तो हुआ उर ठीक है और उर् बहुत सारे उर् मिलकर क्या बनाया नाडू है ना और एक डोमिनेट uh, कास्ट हुई वेला कास्ट जिनका जो है इन्फ्लुएंस देखने को मिला देन जो कि uh, जो भी अफेयर्स होते थे उनका जो भी मुद्दे होते थे उन पर डिसीजन लेने का काम वो कास्ट करती थी है ना टैक्स कलेक्शन का काम मतलब टैक्स वो पे कर रही थी ना गवर्नमेंट को गवर्नमेंट सॉरी आपके रूलर्स को है ना गवर्नमेंट वही थी उस वक्त रू रूलर्स को जो है वो टैक्स पे कर रहे थे तो एक तरीके से उनका इन्फ्लुएंस देखने को मिला देन द चोला किंग्स गिव सम रिच लैंड ऑनर्स यस yes, जो चोला किंग हुए उन्होंने वहां के लैंड ऑनर लैंड ओनर समझ रहे हो लास्ट वीडियो में बताया था मैंने आपको कि जो रूलर्स थे उनके क्या होते थे सबॉर्डिनेट होते थे तो यहाँ पे वो सबॉर्डिनेट की जगह क्या वर्ड यूज किया है लैंड ऑनर्स है ना मतलब जो भी किंग uh, होगा है ना तो उसके जो सबॉर्डिनेट्स होंगे ना उनके पास अच्छी खासी जमीन होंगी ना तो वो जो लैंड ओनर्स थे उनको टाइटल देते थे ना उन लैंड ओनर्स को ये रूलर्स टाइटल देते थे कैसे टाइटल वेलन देखो नाम थोड़े अजीब अजीब हैं लेकिन याद रखने पड़ेंगे मोविंद वेलन अ अफ ऑफ पीजेंट सर्विंग थ्री किंग्स मतलब ये एक तरीके से इनको एक तरीके से कोई ना कोई जो है उपाधि मिली थी है ना किसी एक एरिया को या फिर किसी एक पर्टिकुलर कमेटी को जो है ये क्या कर रहे थे एक तरीके से उसका संचालन कर रहे थे ना देन अरयर ये क्या थे चीफ थे तो ऐसे अलग अलग टाइटल्स जो है इनको दिए गए है ना तो ये क्या कर रहे थे एडमिनिस्ट्रेशन का काम ये कर रहे थे देन इंटरेस्टेड दैम विद इंपॉर्टेंट ऑफिस ऑफ द स्टेट एट दिस सेंटर ये तो इस तरीके से जो है वो अलग अलग कामों में इनको लगाया हुआ था है ना? कौन कौन हो गए आपके मुबंद और अरयर ठीक है बच्चों?

ये तो बात हो गई किसकी ब्राह्मण्स की वो कहाँ रह रहे थे आपके कावेरी वैली में ठीक है अब जो असेंबली थी ब्राह्मण्स की जो प्रोमनेंट ब्राह्मण की असेंबली थी उसको किस नाम से बोला गया सभा है ना अब ये सभा क्या थी कैसे क्या जो सभा एक तरीके से ग्रुप हो गया किसका ग्रुप हो गया ब्राह्मणस का ग्रुप हो गया ये है ना लेकिन कैसे ये चूज किया जाता था है ना इसकी एलिजिबिलिटी क्या थी कौन कौन सभा में होगा ये भी हम आगे देखेंगे अभी आप देखिए दे लुक् आफ्टर द ब्रह्म देह यस yes, इनका काम क्या था जो ये ब्रह्म देह क्या है लैंड है जो कि ब्राह्मण्स को डोनेट किया जा रहा है रूलर्स के थ्रू है ना तो इस ब्रह्म देह की टेक केयर करना किसका काम था इस सभा का काम था ठीक है अब आगे देखिए सभा का और क्या रोल है सभा डिसीजन वर रिकॉर्डेड इन डिटेल इन इंस्क्रिप्शन यस yes, जो सभा जो भी डिसीजन लेगी एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड किसी भी एरिया से रिलेटेड वो सारे किसमें लिखे जाते थे इंस्क्रिप्शन में इंस्क्रिप्शन याद है पत्थरों के ऊपर जो खुदवाया जाता था है ना दैट वॉज इंस्क्रिप्शन ठीक है तो वो सारे इंस्क्रिप्शन पर डिसीजन लिखे जाते थे देन नगरम्स अब ये नगरम्स वर्ड क्या है देखिए एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स यस जो भी ट्रेडर्स हुए सेलिंग परचेसिंग का काम तो हो ही रहा था ना तो जो ट्रेडर्स हुए उनके ग्रुप को क्या बोला गया नगरम्स ओकेजनली परफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन इन टाउन्स ये आपके जो टाउन्स होंगे ना जो थोड़ा डेवलप्ड एरिया होगा सिटी वाला एरिया होगा ना तो उनमें जो है एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन जो है किसके थ्रू परफॉर्म किए जाएंगे नगरम्स के थ्रू ठीक है जैसे अभी आपकी होता है ना जैसे कि पंचायत भी होती है अगर रूरल एरिया में जाते हो आप लेकिन इसमें अर्बन में आते हो तो पंचायत नहीं देखने को मिलती आपको पार्षद वगैरह देखने को मिलते हैं ना सरपंच सरपंच जो होंगे वो आपके किस में दिखेंगे आपके रूरल में और अर्बन में पार्षद वगैरह देखने को मिलेंगे है ना तो ऐसे ही वहां पर नगरम्स जो थे वो टाउन्स के लिए जो है एडमिनिस्ट्रेशन देखने का काम करते थे आगे देखिए इंस्क्रिप्शन एंड टैक्स इंस्क्रिप्शन फ्रॉम उत्तर मैरूर इन चिंगलपुट डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु यस नाम बहुत भारी भरकम है तमिलनाडु की डिस्ट्रिक्ट है चिंगलपुट वहाँ की इंस्क्रिप्शन है एक है ना उत्तर मरूर उत्तर मरूर इसमें क्या लिखा हुआ है प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ द वे इन विच द सभा वाज ऑर्गेनाइज यस ये जो सभा सभा हम पढ़ रहे हैं कि प्रोमिनेंट ब्राह्मण्स का ग्रुप है तो है ना इसकी डिटेल हमें कहाँ से मिलती है तमिलनाडु की इंस्क्रिप्शन है उससे हमें डिटेल मिलती है द सभा हैड सेपरेट कमिटीज टू लुक आफ्टर इरीगेशन वर्क गार्डन्स टेम्पल्स एक्सेट्रा क्या बताती है हमें ये इंस्क्रिप्शन की जो सभा थी है ना उसमें बहुत सारी कमिटीज़ बनी हुई थी ब्राह्मण्स का ग्रुप था लेकिन बहुत सारे ग्रुप्स इसमें बने हुए थे है ना कैसे बनाए जाते थे वो सब इंस, इंस्क्रिप्शन में हमें मिलता है न और वो क्या काम कर रहे थे बच्चों वो काम कर रहे थे जो भी इरीगेशन वर्क आपके हो रहा था गार्डन्स का वर्क हो रहा था टेम्पल्स जो बनवाए जा रहे हैं उनसे रिलेटेड अगर कोई भी डिसीजन लिया जाएगा तो वो ये सभा लेती थी ठीक है आगे देखिए प्रोसेस ऑफ चूजिंग द मेंबर्स, यस अब उसके मेंबर्स सभा के मेंबर्स कैसे चूज़ होते थे सी मेंबर्स ऑफ दीज कमिटीज़ वर रिटर्न ऑन स्मॉल टिकट्स ऑफ पाम लीफ यस आप लोग वो गेम खेलते होंगे ना चिट बनाकर जो है कोई भी अगर जो है किसी भी तरीके से आप जैसे कोई प्राइज विन करना है या फिर घर में कोई एक नई चीज़ आई है कि एक ही आई है वो ना उसको अगर लेना है और आप चार पाँच जो है बहन भाई हो तो कैसे करेंगे तो आप चिट बना लेते हो ना चिट में नाम लिख देते हो फिर उसको किसी बाउल में डालते हो फिर चिट निकालते हो ना खेलते होंगे ना ये गेम तो इस तरीके से ही जो है एक तरीके से गेम तो नहीं है इसमें क्या होता था देखिए कि स्मॉल टिकट्स जो है वो बनाई जाती थी जो पाम ट्री होता है ना जो आपकी पाम लीव्स होती है उसके ऊपर नाम लिखा जाता था जो भी एलिजिबल जो होता था अब क्या है वो अब आगे देखेंगे ना तो उनके ऊपर नाम लिखे जाते थे दीज टिकट्स व पुच इंचू एन अथन पॉट फ्रॉम विच अ यंग बॉय वॉज आस्ट टू टेक आउट द टिकट्स येस वो एक पॉट में मिट्टी से बना पॉट होता था उसके अंदर वो टिकट्स डाल दी जाती थी और किसी छोटे बच्चे को जो है उसमें से निकालने को बोला जाता था फिर जिसका भी नाम होता था लकी होता था उसका नाम आता था तो इस तरीके से जो है वो मैंबर चूज़ किए जाते थे ना वन बाई वन फॉर ईच कमिटीज़ टू लुक आफ्टर इरीगेशन वर्क गार्डनस टेम्पल्स एक्सेट्रा और एक एक करके जो सभी कमेटी है जो भी टेम्पल्स होते थे है ना और उसके अलावा गार्डन्स होते थे इरीगेशन वर्क होता था उन सबको वो देखने का काम करते थे ठीक है तो ये बात हो गई कि किस तरीके से जो है वो चुना जाता था अब एलिजिबिलिटीज़ क्या थी थी वो देखिए हु शुड बी अ बीबर ऑफ सभा यस कौन हो सकता था सभा का member? उसके लिए क्या जो है एलिजिबिलिटी होनी चाहिए ऑल हु विश टू बिकम दोबर्स ऑफ द सभा शुड बी ऑनर ऑफ लैंड लैंड रेवेन्यू इज कलेक्टेड यस क्या होना चाहिए था वो किसी भी लैंड का ऑनर होना चाहिए था है ना ऑल दोज हु विश टू बिकम मेम्बर्स ऑफ द सभा शुड बी ऑनर ऑफ लैंड किसी भी लैंड का ऑनर होना चाहिए मतलब उसके पास में खुद की ज़मीन होनी चाहिए ना और साथ ही उस लैंड से रेवेन्यू कलेक्शन का काम हो रहा हो है ना तो फर्स्ट एलिजिबिलिटी तो ये हो गई दे शुड हैव दियर ओन होम्स और खुद का घर होना चाहिए ठीक है देन दे शुड बी बिटवीन दर्टी फाइव एंड सेवेंटी ईयर्स ऑफ एज यस उसकी एज कितनी होनी चाहिए थर्टी फाइव टू सेवेंटी ठीक है देन दे शुड हैव नॉलेज ऑफ द वेदास और ऐसे ही नहीं होना चाहिए पढ़ा लिखा होना चाहिए और उसको किसकी नॉलेज होनी चाहिए रिलीजन की वेदों की दे शुड बी वेल वर्सड इन एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स एंड ऑनेस्ट यस उसको एडमिनिस्ट्रेशन की भी नॉलेज होनी चाहिए और साथ में ऑनेस्ट वो होना चाहिए ठीक है बच्चों देन इफ़ एनी वन हैज़ बीन अ मेम्बर ऑफ़ एनी कमेटी इन द लास्ट थ्री ईयर्स ही कैन नॉट बिकम अ मेम्बर ऑफ अनोदर कमेटी अगर लास्ट थ्री ईयर्स ने वो किसी भी बहुत सारी कमेटी है मैंने बताया आपको कि जो सभा है उसमें अलग अलग कमेटीज़ बनी हुई हैं अगर किसी भी एक कमेटी का वो लास्ट थ्री ईयर में मेम्बर रहा है तो वो जो है इसका मेम्बर नहीं हो सकता है ना

इलेक्शंस यस देखो अगर वो जो है जो भी uh, मतलब इसके लिए चुना जा रहा है ना तो वो क्या है अगर सबमिट हिज अकाउंट इट मीनस जो है वो अगर टैक्स पे नहीं कर रहा है ना तो वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है और साथ ही उसके रिलेटिव भी अगर टैक्स पे नहीं कर रहे हैं तो वो भी एलिजिबल नहीं है मतलब कि उसको खुद का तो ध्यान रखना ही है कि वो टैक्स पे करे साथ ही अपने रिलेटिव का भी उसको ध्यान रखना है तो अगर ये सारी एलिजिबिलिटी वो फुलफिल करता है तो ही जो है वो सभा का जो है कैंडिडेट के लिए एलिजिबल है ठीक है समझ में आया मतलब सभा की मेंबरशिप के लिए वो एलिजिबल होगा ठीक है क्या क्या चीज़ें आ गई मेन आ गई इसमें थर्टी फाइव टू सेवेंटी जो है उसकी एज होनी चाहिए है ना और ख़ुद का लैंड उसके पास में होना चाहिए ठीक है उसके अलावा जो है वो थ्री ईयर्स तक किसी और कमेटी का मेम्बर नहीं होना चाहिए टैक्स पे कर रहा हो खुद भी और उसको रिलेटिव भी टैक्स पे कर रहे हो तो ये सारी जो है एलिजिबिलिटीज उसमें होनी चाहिए तभी वो सभा की मेम्बरशिप के लिए अप्लाई कर सकता है उसके बाद में वो चिट वाला प्रोसेस होगा ना तो जो लकी वन होगा उसका नाम आएगा ठीक है बच्चों तो ये सारी क्या हो गई इसकी एलिजिबिलिटी हो गई अब एक चीज और बचा लास्ट टॉपिक बचा है आपका इस चैप्टर का वो देख लीजिए कि इसमें मैंने बीच में बताया था कि जो ब्रह्मदेव करके जो लैंड आया था ब्राह्मण्स को दिया जा रहा था तो वैसे ही और भी लैंड्स थे ना सो टाइप्स ऑफ लैंड्स और कौन से लैंड्स थे देखिए चोला इंस्क्रिप्शन मैंशन सेवल कैटेगरीज ऑफ लैंड ये जो चोलाज की जो इंस्क्रिप्शन है उसी से हमें पता चलता है कि बहुत सारे बहुत सारे टाइप के जो थे लैंड्स भी थे, थे इसमें है ना भारी भरकम नाम है लेकिन याद करने है तो फर्स्ट जो लैंड आता है दैट वॉज वेल एन वगई लैंड ऑफ नॉन ब्राह्मण पीजें Proprietors, yes, जो नॉन ब्राह्मण्स थे उनको ये लैंड दिया जाता था दैट वॉज वेल एन अभी थोड़ी देर पहले जो को जो लैंड गिफ्ट किया जाता थानेट किया जाता था दैट वॉज ब्रह्मदेव लैंड ब्राह्मण्स. ठीक है बच्चों? तो ये दो लैंड है आगे चलिए और भी है सो so, शाला भोगा नाम आ रहा है शाला शाला मतलब पाठशाला स्कूल है ना तो स्कूल के लिए ही दिया जाता था लैंड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ अ स्कूल स्कूल के मेंटेनेंस के लिए ये लैंड डोनेट किया जाता था देन देवदाना तिरु अनमत कनी नाम थोड़े पढ़ने में बड़ा ही टफ है क्या है देवदाना तिरुनमत्तु कुनी ऐसे ही पढ़ना है धीरे धीरे है ना याद हो जाएगा सो so, देवदाना में आ गया वर्ड आ रहा है देव है ना देव कौन भगवान ठीक है लैंड गिफ्टेड टू टेम्पल्स ये किसको दिया जा रहा है टेम्पल्स को मतलब कि भगवान के मंदिर के लिए ये डोनेट किया जाता था देन पल्ली चंदम पल्ली चंदम जो था वो क्या था लैंड डोनेटेड टू जैना इंस्टीट्यूशन जो जैना इंस्टीट्यूशन थी उनके लिए ये लैंड गिफ्ट किए जा रहे थे बार बार इनको रीड करना नाम याद हो जाएंगे है ना तो इस तरीके अलग अलग टाइप के लैंडस हुए अब बच्चों इस चैप्टर में मोस्टली दे, हमने देखा कि जो लास्ट वीडियो था ये पूरा चौरा डायनेस्टी से रिलेटेड था ना यहाँ पे कौन से रूलर्स हुए और किस तरीके से उन्हें अपने एम्पायर का एक्सपेंशन किया कौन से टेम्पल्स उन्होंने बनवाए है ना अलग अलग टाइप के लैंड हुए उनके क्या एडमिनिस्ट्रेशन उनका था जिसमें सभा का मेन रूल था सभा के जो मेंबर्स होंगे वो कैसे काम करेंगे कैसे चुने जाएंगे उनकी एलिजिबिलिटीज क्या थी ये सारी हम इस वीडियो में देख चुके हैं ठीक है थीके? तो चैप्टर हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे ठीक है बच्चों थैंक यू सो मच